हेलो गाइस, आपका स्वागत है घर की रसोई बाय रेखा में। आज मैं कटहल का कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम कटहल लिया था, जिसे धोकर काटकर और दो आलू रख लिया है। और उसके लिए जो मसाले चाहिए वो है नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, दो लौंग, दो टुकड़ा दालचीनी का, दो तेजपत्ता, गरम मसाला, जीरा। और इसी के साथ में हरी धनिया को काट कर रख लिया है। एक बाउल में बेसन ले लिया है और चार हरी मिर्च को काट लिया है। घर की ताजी मलाई है और तीन बड़े प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कुकर में कटहल को डाल देंगे। देखिए, मैंने कटहल के बीज को निकालकर उसके ऊपर का जो कड़ा कवर होता है, छिकल होता है, उसको मैंने छील लिया है। उसको निकालना जरूरी होता है, नहीं तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, कड़ा कड़ा होता है। और ये दो आलू हैं, साथ में कुकर में डाल देंगे। एक कप पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से जल्दी पक जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे और इसे गैस पर चढ़ाते हैं। चलिए, देखिए मैंने गैस पे कुकर को चढ़ा दिया है। अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। चार सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे। अब हमारे कुकर में चार सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और कुकर से गैस निकलने तक इंतजार करते हैं। देखिए, कटहल और आलू हमारे उबल गए हैं। कुकर से मैंने निकाल कर प्लेट में रख लिया है और देखिए आराम से कट रहा है। और इसे आप मैसर से या पलटे से ही इस तरह से इसको मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया, हरी मिर्च, और ये जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा है इसे भी थोड़ा सा डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दो चम्मच बेसन डालते हैं। और इसे सबको मिला लेंगे, हाथ से ही मिला लेते हैं। अगर बेसन की जरूरत पड़ेगी तो बाद में डाल लेंगे। थोड़ा बेसन और डालेंगे, थोड़ा गीला लग रहा है। एक चम्मच और अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, मसाले मिलाकर मैंने कटहल का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं कोफ्ते बनाऊंगी।
नींबू के बराबर बना लेंगे। आप छोटे बड़े अपने अनुसार बना सकती हैं। इसी तरह सारे कोफ्ते बना लूंगी। देखिए मैंने कोफ्ते के लिए गोलियां बना ली हैं, अब इन्हें तलते हैं। तो चलिए तलते हैं। देखिए मैंने कढ़ाई रख दी थी और तेल भी गर्म हो चुका है। अब कोफ्तों को डालते हैं। थोड़ा सिक जाए तब मैं इन्हें पलटूंगी। देखिए थोड़ा सिकने के बाद ही इन्हें पलटना है। गैस को मीडियम ही रखेंगे। देखिए कोफ्ते हमारे तल चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। और दोबारा डाल देंगे। और इसी तरह तलेंगे। देखिए हमारे दूसरी बार भी कोफ्ते तल चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है और उसमें थोड़ा तेल डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है तो इसमें डालेंगे जीरा। दो दालचीनी के टुकड़े और दो लौंग, दो तेज पत्ता। चटकने देंगे। ये तेज पत्ता हमारे घर का है इसलिए ताजा लिया है मैंने। आप सूखा हुआ ले सकते हैं। और इसी के साथ डालेंगे ये प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट। और गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भुनेंगे। देखिए मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। मिर्च थोड़े ही डालें क्योंकि लाल मिर्च भी कोफ्ते में पड़ा है और हरी भी डाले हैं तो उसी हिसाब से आप थोड़े डालिए। मैं थोड़ा ज्यादा मिर्च खाती हूँ इसलिए मैंने डाला है ज्यादा। और इसी के साथ टमाटर डाल देंगे और इसको पानी सूखने तक
भुनेंगे। मैंने इसमें मसाले डाल दिए लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी डाला है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, गरम मसाला आधा चम्मच डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और धनिया पाउडर डाला है और इसे अब भूनेंगे तेल छोड़ने तक। मसालों को अच्छे से भूनेंगे तभी सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। मसाले भून चुके हैं, देखिए तेल छोड़ रहे हैं, तो इसी के साथ में डालूंगे ये जो मैंने मलाई ली थी 2 चम्मच। मलाई डालने से टेस्ट अच्छा आता है और कलर भी खिल कर आता है। थोड़ा भुनेंगे मसाले को। देखिए मसाले तेल छोड़ रहे हैं और खुशबू इसमें से बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें पानी डालेंगे, ये गरम पानी है। सब्जी में हमेशा गरम पानी डालना चाहिए जिससे टेस्ट बना रहता है। थोड़ा पानी कम लग रहा है और डाल देंगे। डेढ़ कप पानी डाला है मैंने, आप अपने अनुसार थोड़ा ज्यादा या कम कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए 7 मिनट हो गया है, और अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। ये कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बनेंगे, इस तरह से यदि आपने बनाया तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और लास्ट में कोफ्तों को डालना चाहिए नहीं तो गल जाएंगे। दो मिनट के लिए ढक देंगे जिससे कोफ्तों में मसाला अंदर तक चला जाए। 2 मिनट बाद मिलते हैं। हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब मैं धनिया की पत्ती से गार्निश करूंगी। हमारे कोफ्ते बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।